पैसा तो हमको है, मालूम है पैसा कैसे कमाता है। मर जाएंगे। चैनल निवेदितास फैमिली, कैसे हो आप सब। तो फिर से आज इवनिंग है, अभी गुड इवनिंग सारे मेरे फ्रेंड्स को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को। आज एक स्पेशल व्लॉग है, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं बनाने वाली हूँ चिकन मोमोज और चिकन कोसा रोटी। तो चलिए फटाफट पी लेते हैं हमारे इवनिंग टी। टी के बिना तो काम मेरा शुरू ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ना फास्ट से लास्ट तक देखें और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं फिर काम पर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पी रही हूँ चाय और हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा गिर गया है अभी। अभी बजा है शाम का 5:50 और अंधेरा पूरा हो गया है और ऐसे ही ठंडा में तो कुछ काम करने का मन भी नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई हो रहा था और ऐसे ही पढ़ा हो रहा है और पहले हम खाना बनाएंगे फिर बच्चा को पढ़ाने बिठाएंगे, क्योंकि सर पे अभी एग्ज़ाम है बच्चा लोगों का तो पढ़ाना भी तो ज़रूरी हो गया है। और फ्रेंड्स वीडियो को ना फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम ना चिकन मोमोज के लिए ये बोनलेस चिकन छोटे छोटे पीसेस है, इसको ये जो पानी है ना पूरा पानी हम निकाल देंगे, इसको हम ग्राइंडिंग कर लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से। और ये सारा चीज़ मैं रेडी करके रखी हूँ। ये है स्प्रिंग अनियन का नीचे का हिस्सा जो सफ़ेद वाला है, ये स्प्रिंग अनियन का ऊपर का हिस्सा ग्रीन वाला है, धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, ये थोड़ा सा लहसुन हम मोमोज का चटनी के लिए अलग से रखे हैं, ये मोमोज के जो चिकन मसाला में जाएगा तो छोटा छोटा बारीक काट लिए हैं लहसुन को। और ये चिकन कोसा इसको हम पहले मैरिनेट करके रख देते हैं और ये भी हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मोमोज के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, मुझे जितना ज़रूरत है उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, आटा गूंद ले रही हूँ, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। तो उसको भी हम फिर गूंद के ना उसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। बनाऊंगी मोमोज के लिए जो तीखी चटपटी चटनी होती है ना वो बनाऊंगी। तो ये कुछ टमाटर, देखिए कुछ टमाटर को यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ, ये छोटे छोटे हैं। और ये कुछ सूखा मिर्च,
सूखा लाल मिर्च को ना मैं उसका जो बीज निकाल दी हूँ और पानी में इसको थोड़ा सा मैं भिगा दी थी और मैं गैस पे पानी भी चढ़ा दी हूँ। ये देखिए इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर को, टमाटर को डाल के ना पका लूँगी जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद में और उसमें सूखी मिर्च और लहसुन कलियाँ वो भी डाल दूंगी जिससे पक जाए। उसके बाद मैं उसको मिक्सी में पीस के उसका चटनी बना लूँगी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। अभी हम मोमोज बनाने वाले हैं तो ये छोटे छोटे ऐसे हम लोई ले रहे हैं, उसके बाद उसको बेल के हम मोमोज तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट तैयार कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है। चिकन करी बनाई, रोटी भी बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अभी मैं फटाफट गोला बना दूँगी, उसके बाद मोमोज भी फटाफट बना के उसको स्टीम में गैस में भी मैं चढ़ा दी हूँ पानी, तो फटाफट बन जाएगा फिर। ठीक है,
तो चलिए फटाफट बेलते हैं और मोमोज बना लेते हैं। जो मोमोज है वो बनके तैयार हो गया है, एक स्टेप का तैयार हो गया है। दूसरी टाइम हम फिर से बिठाएंगे। बहुत अच्छा मोमोज बनके तैयार हो गया है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इधर दिखाओ, ये देखिए तैयार हो गया है। इसको अभी हम रख देंगे फिर से, इधर दिखाओ। ये फालतू का काम, खाली पैसा वेस्ट। हाँ, पैसा वेस्ट, और एक भी नहीं देंगे। जितना भी अच्छा बनाओ ना, ये इंसान ना क्या बोलेंगे, धोखेबाज है ना, धोखेबाज। काम धंधा नहीं है कुछ, मेरा पैसा खाली वेस्ट हो रहा है। देखो देखो, मुझे दिखाओ, ऐसा दुख हम किसको सुनाए। पैसा तो हमको है, मालूम है पैसा कैसे कमाता है। मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चटपटी तीखी चटनी और चिकन मोमोज बनके तैयार हो गया है। एक ये वाला बनकर तैयार हो, दूसरी भी हम बिठाए हैं। बच्चे लोग ये खा लेंगे, फिर हम लोग खाएंगे। पता नहीं कैसा बना है, बच्चे लोग को खिला देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो चलिए फटाफट लो। क्या मुझे अच्छे से बस अच्छा है अच्छा है सिर्फ अच्छा कौन टेस्टी सुपर टेस्ट हम एक बार खाता नहीं देंगे तुमको, नहीं देंगे। नहीं, भागो यहाँ से, एक भी नहीं देंगे तुमको। ये मेरा लड़की, हम मेरे लिए मेरा लड़की ही देगा। हाँ। दिखाओ। ऑसम टेस्ट, वाव, सुपर टेस्ट। मेरे को ये पसंद नहीं है। मोमोस बाहर से भी अच्छा है, ट्रूली। कोई मैं नहीं खाता नहीं, ऐसा बोलोगे तब भी एक भी नहीं देंगे तुमको। करेला चिप्स, केरला का करेला इसका केला चिप्स मस्त है, टॉप क्लास। जो गार्लिक जिंजर का, सॉरी, अच्छा मोमोज का तारीफ हो रही है। तो फ्रेंड्स,
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं अपना जो ब्लॉग है ये पे एंड करती हूँ खाते खाते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज बना है और केरला का केला चिप्स भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। मैं पहली बार खाई ये चिप्स, बहुत केरला से आया था। तो ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।